स्कूल किसे कहते हैं? तो मैंने बताया था, स्कूल वो जगह है जहां हमें कूटा जाता है और हमारे पापा को लूटा जाता है। फिर पूछा गया था, अस्पताल किसे कहते हैं? मैंने बताया था, धरती से स्वर्ग जाते हुए जो बीच में टोल नाका पड़ता है उसे हम अच्छे क्या बात है, वाह 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 वाह, अस्पताल कहते हैं। ये था दिमाग का काम। अंग्रेजी का पेपर आया था और उसमें प्रश्न आया था, मैं एक आम आदमी हूं, इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करो। मैंने किया था, आई एम ए मैंगो मैन। प्रश्न आया था, बाजार में गोलियां चल रही है, इस वाक्य को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करो। मैंने किया था, द टैबलेट आर वर्किंग इन द मार्केट। प्रश्न आया था, पहले मुर्गी हुई या अंडा, पहले मुर्गी आए या अंडा आया? मैंने बताया था, सबसे पहले नमकीन आई थी। अच्छे क्या बात है। सर मैंने ठीक कहा? अच्छा सर तुम्हें कैसे पता? इसका मतलब सर आप प्रैक्टिकल आदमी हैं मेरी तरह। सबसे पहले नमकीन आई थी, उसके बाद अंडा आया था, उसके बाद बोतल आई थी, फिर मुर्गी आई थी और अंत में बिल आया था। यह है दिमाग का काम। साइंस का पेपर था और प्रश्न आया था, हम पानी क्यों पीते हैं? मैंने लिखा था, क्योंकि हम उसे खा नहीं सकते। इसलिए पीना पड़ता है। अच्छे क्या बात है खिचड़ी। ये दिमाग का काम है। हिंदी का पेपर था और प्रश्न आया था, रामनवमी क्यों मनाई जाती है? मैंने लिखा था, जब भगवान श्री राम आठवीं पास करके नौवीं में आए थे। अच्छे तभी से रामनवमी मनाई जाती है। प्रश्न आया था, प्रदूषण किसे कहते हैं? मैंने लिखा था, प्रदूषण खरदूषण का बड़ा भाई था। ये खरदूषण तो भगवान श्री राम के हाथों मारा गया था, प्रदूषण भाग निकला था। ये तभी से पेड़ों पर रहता है, पेड़ों की जड़ों तक को खा जाता है। ये दिमाग का काम था। मैंने लिखा, प्रश्न पूछा गया था कि धृतराष्ट्र अंधे थे, उसके बावजूद उनके 100 पुत्र थे। ये पॉइंट नोट किया जाए मिलोर। धृतराष्ट्र अंधे थे, उनके 100 पुत्र थे, और पांडु के 5, जबकि वो आंख वाला था। इसका कारण बताओ। मैंने लिखा था, मैंने अगर ठीक लिख दिया हो तो एक हाथ खाली नहीं रहे, पूरा मुंह खोल के हंसे। मैंने लिखा था कि आंख वाले लोगों को और भी बहुत से काम होते हैं। ये दिमाग का काम था। इसलिए इससे आप समझ सकते हैं हम कितने पढ़े लिखे आदमी हैं। हर बात का जवाब हम कैसे देते थे। इतिहास का पेपर था और प्रश्न आया था, महाभारत के युद्ध का कोई एक ठोस कारण बताओ। एक बच्चे ने लिखा, महाभारत के युद्ध का मेन कारण थे दुर्योधन, अपनी जिद छोड़ दिए होते तो महाभारत का युद्ध कदापि नहीं होता। दूसरे बच्चे ने लिखा, महाभारत के युद्ध का मेन कारण थे भीष्म पितामह, अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दिए होते तो भी महाभारत नहीं होता। तीसरे बच्चे ने लिखा, महाभारत के युद्ध का मेन कारण थे स्वयं भगवान श्री कृष्ण, वो चाहते थे युद्ध नहीं होता। अर्थात पूरी क्लास में एक बच्चा भी सटीक उत्तर नहीं दे पाया। क्यों? क्योंकि मेरे सिवा
अच्छा पूरी क्लास में इतना माइंडेड बच्चा था ही नहीं, तब मैंने लिखा। अब ठीक लिखा हो तो अब एक बार फिर हाथ उठा के मुझे सम्मान देना, ये दिमाग का काम था। मैंने लिखा महाभारत के युद्ध का सबसे मेन कारण यह था कि उस वक्त पुलिस नहीं थी। अच्छी शेजा।